माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। दैनिक भत्ता हमारा दो। हमारा दो। हमारा दो। दैनिक भत्ता हमारा दो। हमारा दो। हमारा दो। दैनिक भत्ता हमारा दो। हमारा दो। हमारा दो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। वेतन दो भाई वेतन दो। 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 मेरा नाम आशु है और ये 5 महीने से हमें बैंक तनख्वाह नहीं मिल रही। हमारे बच्चों परेशान हैं। मेरे घर की भी बिजली काट दी गई है। अभी ये बताइए हम गार्ड में हमें कर रहे हैं, ये हम क्या करेंगे? मतलब 5 महीने सरकार को अब दिख रहा है कि इनको ख़त्म करा जाए। कोरोना में हमने इतनी हेल्प करी, इतनी निष्काम ड्यूटियाँ करी, हमने सब कुछ करा, हमारा यूज़ कराया गया है, लेकिन अब इनको दिख रहा है कि ख़त्म करनी है सिविल डिफेंस, अब ख़त्म करनी है और हमने सब काम करे। वहाँ से हमारे को पुलिस वालों ने हटाया है, गजट गजट के हमारे को बसों में लेकर आए हैं, यहाँ तक नहीं दिया जा रहा। वहाँ से पुलिस वालों ने हटा दिया गया था, एक दिन का परमिशन मिला था वहाँ पे, फिर वहाँ से हटा दिया गया। जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो सुनिए, हमें वेतन दिया जाए, जो हमारा जो पिछला 6 महीने से वेतन रुका है वो दिया जाए, और ये जो नौकरी से हटा रहे हैं वो हमें हटाया ना जाए। अगर सिविल डिफेंस खत्म करनी है तो कोई बात नहीं, वो खत्म कर दिया जाए, हम आपदे में काम आएंगे, लेकिन हमें जो मार्शल के रूप में है वो हमें DTC अप्लाई कर दिया जाए, एक्स सर्विस मैन जो है इसे उधार लेके चला रहे हैं, लेकिन अब वो भी देने से मना कर दिए हैं। और ये 5 महीने हम ये चाहते हैं कि हमें वेतन जल्दी जल्दी दिया जाए। कभी कभी आता हूं मैं, मेरे पैर में थोड़ा सा दिक्कत भी थी, मैं नहीं पहुंच पाया। गाड़ी ये कहने के लिए बात है, ये 6 महीने के आगे बढ़ा दिया था, 6 महीने बाद ये हमें हटा भी दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये, 6 नौकरी से 6 महीने बाद ये हटा दिया जाएगा। ये सिर्फ 6 महीने के लिए, इलेक्शन के बाद अगले साल जो है इनको इलेक्शन के मारे 6 महीने बढ़ा दिया था, इसलिए हमें होम गार्ड में डाल रहे हैं। अगर ये 6 महीने बाद ये रिन्यू खत्म हो जाता है तो हमें ये मार्शल से भी हटा दिया जाएगा। आते हैं जाते हैं, हमारे साथ रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाए जिससे जिसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, ना हमारे डिपो में ना कहीं और, उसके बावजूद भी हम ड्यूटी पे 8 से 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। उसके बावजूद भी आज 5-6 महीने हो गए हमारी सैलरी रुकी हुई है, हमारी सैलरी नहीं आ